1200 रुपए केजी, और दुम्बे आपने बताया 1000 रुपए किलो। 1000 रुपए किलो बकरा मंडी है, बड़ी प्यारी मंडी लगी है हमारे लिए सेठ जी में। आप आए और बकरे लेके जाए। ये थे छोटू रिपोर्टर। वेलकम टू माय गाइस, वो कराची जासल पे खुश आमदी। खैर बारा लाज है, बुध का दिन, टी शर्ट पहनी भी है। पुलिस वाले भाइयों पे जा रहे हैं, देखते हुए जा रहे हैं, हंसते हुए व्लॉग बना। 12:50 हो रहे हैं, खाने पीने का पहले सोचना है। दोपहर का खाना नाश्ते की तो बोलना ही बेकार है यार, सुबह बोलना भी बेकार है। दोपहर मंडी जाओ, बलोच कॉलोनी के जो नीचे लगे, देखते हैं क्या होता है। 30 वाला जो है वो रू अफजा है या लिम्बू है? 31 वाला छोटा बना के देते हैं, पियूंगा लिम्बू पानी, सही है ना। कहाँ जाऊँगा? CSD, ये तकरीबन कोरंगी वाला रोड है, और यहाँ पे CSD के अंदर भी बकरा मंडी लगी है। यहाँ जाए देखें, मंडी लगी हुई अंदर, वो देखें। अब यहाँ जाएंगे हम CSD कैंटोनमेंट का इलाका, बड़ा खूबसूरत अंदर से बना। बकरे तोल और मोल के हिसाब से इतना है। हो गया भाई, देखो माशाल्लाह, ये देख छोटू वाले को, मेरे को बड़ा पसंद है। क्या हिसाब है यार, आपको भी दिखा देते हैं। 1000 रुपए किलो लगाएंगे। अच्छा, किलो का हिसाब है ना, वहाँ पे लिखा हुआ भी था कि किलो का हिसाब। अच्छा, इसके जो ज्यादातर बालों का ही वजन निकल आया गया, गोश के, गोश वाले बाल वाले तो नहीं है। अच्छा, 1200 रुपए केजी बकरे जी। 1200 रुपए केजी, और दुम्बे आपने बताया 1000 रुपए किलो। 1000 रुपए किलो, वाह जबरदस्त भाई। ईद के अंदर कम दिन रह गए हैं, तो अब हम तो नहीं खरीद सकते। अल्लाह पाक हमें भी तौफीक दे, तो इंशाल्लाह अज़्ज़वजल अगले साल हम भी फिर करेंगे इंशाल्लाह कुर्बानी। लेकिन ये देख रहे हैं आप, क्या बात है, माशाल्लाह भाई, बकरा मंडी है, बड़ी प्यारी मंडी लगी है हमारे लिए सेठ जी में। आप आए और बकरे लेके जाए। ये थे छोटू रिपोर्टर राम जी, घास वास भी, इसके खाने वाने की रोटी छोटी, बकरे की रोटी, हम लोग उसको क्या बोलेंगे यार, लूसन वूसन बोलते हैं, घास बोलते हैं, पट्टे बोलते हैं। हाँ, ये आ रहे हैं भाई जवान के बच्चे, इसको देख, अरे हट जा, सबसे ज़्यादा भूखा है भी मेरी तरह ही, दोपहर का खाना ढूंढ रहा है। ओए ओए, स्टाइल ले लो यार, क्या तरीके से बांध है, ये तरीका अच्छा है। खैर सब हर किसी वाह यार, तुम लोग कर रहे हो नाश्ता, हम लोगों ने अभी तक नाश्ता नहीं किया, तुम लोग लगे हुए फुल बिजी हो। हाँ हाँ साथ, क्या हाल है, ये क्या जाले वाले लगाए हुए यार। अच्छा, बकरे खाली बकरे हैं इस मंडी के अंदर, गाय वाय नहीं है? गाय उधर है, आए आगे। अच्छा चलो यार, गाय वाली जगह पे जाते हैं। हाँ हाँ ना, चले हैं ना अभी पब्लिक को लेके यार, बकरे वाले गाय वाले भी है पीछे, गाय देखते हैं ना यार, यार थोड़े नजर आ रहे हैं मुझे यहाँ पर। क्या जब्बा छा साहब, अच्छा स्पीकिंग इन सिंधी। हाँ, ये अपने को एडवांटेज है, क्या लैंग्वेजेज आती है। उठ जा उठ जा, माशाल्लाह माशाल्लाह यार, क्या हिसाब है इसका भी, जरा पता करें कहाँ है बेंडर, सारे बिजी हुए हैं, वो बैठे हुए मवेशी वाले। अच्छा, मवेशी मंडी का ऐसी ने मेरी पुरानी वीडियो देखी कि उसमें एक बंदे, एक साहेब आए थे भाई साहब, उन्होंने कहा था यार मेरे को मवेशी चाहिए, जगह मेरे पास है, वो आए तो इस किस्म का। तो मैंने कहा यार, अब हम कहाँ से भाई इतना वो करें, लेकिन ये कि अब माशाल्लाह काफ़ी हद तक मेरी भी सलाम दुआ अल्लाह खैर खुश। क्या हिसाब है मामा, ये गाय, हाँ कितने का? 3 लाख को, 4 लाख को, 5 लाख, बड़े बड़े हिसाब। किलो का क्या है? किलो का हिसाब नहीं है, किलो का खाली बकरे में, किलो का खाली बकरे में, अच्छा बकरे में 10 का बेटा, इस तरह भी है। ये माल नहीं है पीछे, हमारे भाई व्यापारी है बड़ा। अच्छा, ये बड़े वाले मंडी में, बड़े वाले पीछे मंडी जो है ना, अमरकोट वाली, यादवपुर खास वाली, हैदराबाद वाली। अच्छा अच्छा, ये थरपारकर वाला, पीछे माल कम है, उधर माल कम है, खत्म हो गया, हां माल कम। और 4 दिन बाद मेरे का पीर को ईद है तकरीबन। हां पीर को ईद है ना तकरीबन, बाकी ये कि वो जो भी है उलमा डिसाइड करेंगे। खैर बहर अल्लाह, अच्छा माल शॉर्ट है भाई, कह रहे हैं माल शॉर्ट है, इसका मतलब बिका है, बिका है माशाल्लाह। और भाई लोग फिर भी माशाल्लाह कुर्बान, अल्लाह का नाम पे तो करते हैं लोग। मेहरबानी मेहरबानी अदा मेहरबानी, उमरकोट थरपारकर से भाई आए, सबको वेलकम करना चाहिए यार, इंसान हम भी इंसान यही है भाई, इंसान दुनिया में सारे मेहमान ही है तकरीबन। कौआ भी खड़ा हुआ, कौआ भी बोल रहा है आजा भाई, ये इन लोगों का खाना वाना चुराने आया हुआ लगता है। खैर बहरहाल आज यहीं तक दिखाते हैं मंडी, क्योंकि अब ऑफिस के लिए भी लेट हो रहा है।
टाइम मैं देख लेता हूँ, 1:42 यार, लेट्स मूव जासल, टाइम बड़ा शॉर्ट है, अपनी ज़िंदगी इसी में ही पूरी है। ऑफिस, ऑफिस से यहाँ, यहाँ वीडियो बना, पूरी कोशिश होती है आपको वीडियो बना के, रोज़गार भी संभाल लेना, जॉब से निकल गया ना बेटा तो काम हो जाएंगे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। सी एस डी का लगा बड़ा खूबसूरत, इससे मुझे याद है पिछली ईद में आगे की तरफ लगा था, जवान ही लग रहा है, इससे पहले यहाँ पर भी लगा था, सी एस डी में लगा हुआ, कभी कहाँ लगता है कभी कहाँ, इसीलिए भरोसा नहीं होता। मेरा ऑफिस का रास्ता गुजरा था ना, देखा था, सोचा बनाऊंगा मैं। सी एस डी ये डिपार्टमेंटल स्टोर है, डेटा कैंटोनमेंट का है, डिस्काउंट बड़ा अच्छा मिल जाता है गवर्नमेंट ऑफिसर्स को, वैसे भी रेट सही है, कभी जाके बनाएंगे। खाने पीने को क्या मिल रहा है भाई, चाय वाय यार, मैंने कहा कोई बिरयानी शिरयानी हो तो पकड़ लूँ मैं, खैर नहीं है, तो चले आप वहीं जाके ही खाएंगे। ये देख रहे हैं सारा फ्लाय बॉय, ये सारा सी एस डी के ये ब्रांड्स हैं, जाहिर सी बात है ये मॉल है, ये मतलब सुपर स्टोर है, यहाँ का डिपार्टमेंटल स्टोर है, बहुत बड़ा है अंदर से। मैं तो खैर गया हूँ, फिर कभी टाइम हुआ तो दिखाएंगे। निकल जा भाई, तू बाइक लेके निकल जा, टर टर करके हमारे व्यूअर को परेशान कर। हाँ तू भी निकल, लाएंगे एम बी नॉइस का इंस्टॉलेशन इंशाल्लाह। रोड यहाँ से गाड़ी पकड़ के मैं वही बैरिया टावर तारिक रोड F11 जाएगी। बिक गई भाई, क्या बात, यहाँ से बैठेंगे F11 में, अब जाके ऑफिस पहुँचो, पसीने निकले, पसीना साफ करने का भी टाइम नहीं है। कितने मिनट रह गए, टाइम देख लो, थोड़ा सा सांस ले लें, डायरेक्ट एसी में जाना भी अच्छा नहीं है। 6 मिनट यानी कि 1:54 हो रहा है। बाल मेरे खराब है, बाल है छोटे से, वो भी खराब, पानी का रश लग रहा है। हमने जाना है लिफ्ट पे, 8वें पे भी, अबे यार जल्दी आ जा मेरा भाई, ये मसला है, जब जल्दी पहुंचो तो फिर लिफ्टें नहीं आती। अभी ब्रेक ले ली, भूख बहुत लग रही है भाई, काम ही नहीं हो पा रहा मेरे से, और अभी शाम को लेके, अब शाम के टाइम ही निकले तारिक रोड, लॉ वाले भाई के पास आते हैं। ठीक हो, खुश हो, मजे करम है, मालिक का एहसान है, 2 यार 1 प्लेट की कबार खाता हूँ, बड़ा जायके वाला होता है, खाएगा बंदा बार बार आएगा, नीम का तड़का, ये चीज जी जाओगे मजा उड़ाओगे, चखोगे याद रखोगे भाई जान। थैंक यू। अच्छा लालू गेट वाला भी लग गया वहाँ पे भी भाई, इनकी ब्रांच है सोसाइटी। अच्छा, ओके गुड, ओके, चलो यार अब मैं तो खाना खाऊँ, पानी पी, मज़ा आ गया। हाँ कितने हो गए, 150? मेरे को कहने वाले जूस वाले कह रहे हैं कि मेरी भी बनाओ। चलो भाई, मामा का जूस से बहुत मशहूर है, देख रहे हो मामा जो है गन्ने, देखो कितना ज़बरदस्त है। मामा छोटा वाला गन्ना सही होता है, बड़ा वाला सही होता है? बड़ा गन्ना सही होता है, बड़ा गन्ना सही होता है, हमने सुना है, कोई बोलता है बड़ा सही है, कोई बोलता है छोटा सही है, छोटा 50 का, बड़ा 7 का, डिस्पोजेबल भी है आपके पास? ओ वेरी गुड यार, हाँ डिस्पोजेबल ग्लास, ये ग्लास है डिस्पोजेबल, इतना साफ सुथरा, अक्सर इस पे जंग होता है लेकिन इस पे जंग भी नहीं लगा, जो कि सेहत के लिए अच्छा है, अच्छी बात है, चीज अच्छी है। जूस छन करके नीचे बर्फ पड़ा हुआ है, और उसके तो मशहूर जो गन्ने के जूस पीने वाले उनको तो पता है, और ये डिस्पोजेबल ग्लास के अंदर मामा जो है स्पेशल तरीके से, ख्याल है ये ऊपर जो फिल्टर हो के नीचे ये डिस्पोजेबल, और मामा 80 रुपये ठीक है, 80 रुपीज का भाई है, मेस्ट्रो भी है, फुल इंग्लिश तरीके से मामा ने, मम्मी डैडी तरीका, आओ खैर क्या बात है, क्या बात है, कितना दे मामा? 80 रुपये 80 रुपये दे यार मामा, हमारे को तो डिस्काउंट करो ना, 20 रुपये गिलास का लेगा ना। अच्छा चलो, का शरबत है, सही है, लेकिन मैंने तो आपको नहीं बोला मुझे बना के दो, बना दे आप, दे दे पे तो मसला नहीं, क्या बेहतरीन। अच्छा मामा ने मेरे को 50 रुपीज में दिया, थैंक यू सो मच। असल में ये चीज जो है ना, यहाँ जंग नहीं हो तो फिर मजा आता है यार, बस अब मैं जाऊँगा थोड़ी देर में। कैंटीन में कल जो हम बात कर रहे थे कि यार वो जूस कैसे बना है ग्रीन कलर का, उसको आज सही तरीके से डिफाइन करेंगे, क्योंकि वो आवाज़ सही नहीं आ रही थी, उसकी ज़रा तस्दीक करेंगे हमारे भाई, और दोबारा से एक बार फिर बताएंगे कि उसमें डला क्या था। 7 अप तक तो ठीक है, वो जो ग्रीन हुआ है ना, वो जो शुरू का प्रोसेस, तरबूज भी क्योंकि कट रहे थे, पुदीना भी, तो वो चक्कर नहीं समझ आया, बताएंगे इब्राहिम, बताएंगे हमें। अस्सलाम वालेकुम, जैसे कि कल हम शरबत बना रहे थे कैंटीन में, एक मिनट कॉल आ गई, क्या कॉल है भाई? हाँ अब बताओ।
पुदीना कर लिए थे। सही है। उसके बाद नींबू। नींबू जी सही है। उसके बाद सवेरा आप लोग ट्राई करें, गर्मी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। हाँ यार वाकई जिस्म की ठंडक बचाएगी, जायकेदार है। सही है, खुद बनाए ट्राई करें, ज़्यादा खर्चा नहीं है, कम खर्चे। ओके मैदे को ठंडा रख। ऑफिस वालों के साथ सलाम दुआ बड़ी अच्छी हो गई। अच्छा ये साथ में चाय बन रही है, इसके चक्कर में थोड़ा वेट करना पड़ा, टाइम भी अपने पास कम है। ऑफ छुट्टी और छुट्टी हो गई है, अभी ये लिफ्ट के ऊपर टाइम हो रहा है 10:09, कोई नहीं है मेरे साथ, आज अकेले ही जाना है घर की तरफ। सो निकलूंगा आज अकेले, तारिक रोड वाला रास्ता पकड़ेंगे। क्यों नहीं यार, नीचे जा रहा है। नीचे जा रहा है? अच्छा मैं समझा शायद तुम ऊपर पे नीचे। नहीं नहीं मैं ऊपर जा रहा हूँ। और भाई रहमान, आज रहमान रहमान हमारे साथ। रहमान क्या हाल है, कैसे चल रहे तुम्हारे शॉर्ट वीडियोस? शुक्र अल्लाह 11 पे जा रहे हैं, वो ग्राउंड पे जा रहे हैं। अरे यार अब मेरे को भी जाना है ना ग्राउंड पे, क्या कर दिया यार खुदा के बंदे, ये क्या हो गया। अच्छा और सुनाओ कैसा चल रहा है? सही चल रहा है। रहमान को भी सपोर्ट करे, रहमान हमारे ऑफिस में होता है, शॉर्ट्स बनाता है। और अभी 11 पे आ गए पीपा पे, यार समझ नहीं आ रही कौन कौन से फ्लोर है, कौन सी है ये? 11वीं है। मैं नीचे कैसे जाएगा ये? तुम्हारे पास ठीक है, थैंक यू रहमान। बैग के अंदर पैक है और इसके अंदर ज्यादा सामान होता भी नहीं है, मतलब कि चार्जर वगैरह ये चीजें मैं साथ रखता हूँ। अभी 3, 2, 1 90 का और 120 का, 90 वाला एक बना दो, ताजा है ना। अगर खाने आया हूँ तारिक रोड के इस एरिया में, आगरा है तारिक रोड, और आगे चल के तो बंद ही हो रहा होगा, टाइम अभी क्या हो रहा है। वैसे ईद के दिन नजदीक है तो मैं रौनक देख रहा हूँ कुछ ज्यादा, 10:27 का, तो जब से ईद करीब आई है तब से रौनक थोड़ी बहुत नजर आ रही है, वैसे नहीं है जैसे पहले थी, बट है। ब्यूटी पार्लर है गुजरात, मशहूर ब्यूटी पार्लर की पूरी लाइन है। आगे मैं याद हो गया कि लेडीज़ वगैरह की लेकिन आगे भाई चटनी और केचप। अंकल भाई अंकल ने बनाया है माशाल्लाह, ये अंकल का डी है और अंकल बता रहे हैं कि ये जो है ना एक नंबर काम करते हैं, चीज़ अच्छी है। लेकिन बर्गर मैंने टेस्ट किया, मज़ा आया। अच्छा अंकल ओके जी बेहतरीन है, तो क्या डालते हो उसमें? वाड़ी वाली होती है वो, टेस्टी होती है। अच्छा कबाब भी अच्छा होता है? नहीं नहीं सही है भाई, जब भी तारिक रोड है अंकल के पास मौका मिले, यहाँ बर्गर लाजम का है, बड़ा ज़बरदस्त है। वैसे भी एक दफ़ा यूसुफ के साथ आया था, यूसुफ सामने रहता है, वो भी इनकी तारीफ कर रहे थे शोभा, तो मैंने कहा जा रहा हूँ तो चक्कर लगा लेता हूँ। और सामने से वैगन गुजरी, यहाँ से भी वैगन गुजरती है, मेरे को बर्गर वाले बताते हैं 9 बजे गुजरती है यहाँ से वैगन, अगर गुजरी तो फिर उस पर बैठ के जाऊँगा, अदरवाइज वही तारिक रोड से जाऊँगा, तो प्लान चेंज भी हो सकता है अगर वैगन आ जाती है कयूमाबाद, नॉट मेरे घर तक, फिर वहाँ कयूमाबाद से मुझे गाड़ी चेंज, क्योंकि F11 है, F11 गोरंगी साइड जाती है, मिल एरिया नहीं। हाँ चेक करने आए, वैसे मैंने 7 वाले केबिन पे तो खाया था, लेकिन ये अगर आप आएंगे सिल्वर स्पून की साइड पे तो ये इनका केबिन लगता है। इनका कभी कभार मुझे शौक चढ़ता है मीठा। भाई बड़ा अच्छा था बनाना, बस मस्त था, ताकि वैसे ही बैंड बजी भी है, गर्मी से थोड़ा टायर्ड हो जाए। भाई क्या बात है, मुँह में आते ही ऐसा रस घोल दिया, थैंक यू यार, क्या बात है, हैरान कर दिया, क्या पान है, पान खाने के शौकीन यहाँ जब भी है डायरेक्ट रोड पे तो रुजू कर ले भाई, जब प्रमोशन नहीं कर रहा, लेकिन वैसे ही अच्छी लगी तो आपको बता रहा हूँ, मुंह देख रहा हूँ पिछले के चक्कर में वीडियो खींच गई। बहरहाल बस अब यहीं पे एंड करते हैं अपनी वीलॉग का, उम्मीद करता हूँ आज का ये वीलॉग अच्छा लगा होगा, अंधेरे में ख़त्म करूँगा क्योंकि आगे चल के फिर गाड़ी में बैठने वाला हूँ, यहाँ से शहीद मिल्ला से मैं गाड़ी पे बैठ जाऊँगा, घर की तरफ चला जाऊँगा। अपना ख्याल रखिएगा, गुड नाइट, शब खैर, टेक केयर, सबको प्यार, सबको मोहब्बत, अपना ख्याल रखिएगा, ओके अल्लाह हाफिज़।